21st सेंचुरी हो या 22nd सेंचुरी हो या 16वीं या 18वीं सेंचुरी रही हो, और इसके प्रमाण है, ये पॉसिबल है जो इंडिया का डिवीजन हुआ उसको अंडू करना। उसमें उन्होंने कहा कि वी शुड डू अनडू, वी शुड डू अनडू ऑफ 1947 के बयान के, क्या पाकिस्तान को हम दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकते हैं? प्रैक्टिकल बात बताना मुझे कि पाकिस्तान का जो 1947 का विभाजन है उसको वापस ले अंडू लीजिए, करना। जिसको अंडू करिए, जिसको के एक बहुत बड़े लीडर भागवत जी ने आज ही कहा है नोएडा में, एक एक बुक का विमोचन कर रहे थे वहां पर। मैं इस किस्म के बयान सिर्फ यही नहीं देते, और लीडर भी देते हैं। क्या इज इट पॉसिबल इन जी इन द 21st सेंचुरी? डॉक्टर साहब, देखिए 21st सेंचुरी हो या 22nd सेंचुरी हो या 16वीं या 18वीं सेंचुरी रही हो, और इसके प्रमाण है, ये पॉसिबल है जो इंडिया का डिवीजन हुआ उसको अंडू करना, बशर्ते कि उसकी कॉस्ट क्या है, किस कीमत पे, किस सिस्टम से वो होगा, वॉर करके होगा कि ऑटोमेटिकली होगा। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 370 को भी हटाना इम्पॉसिबल बोलते थे, मैं भी इम्पॉसिबल मानता था, वो पॉसिबल हुआ और कुछ नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने एटम बम नहीं गिराया हमारे ऊपर, ना भारत ने कुछ किया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, तालिबान का एग्जाम्पल लीजिए, तालिबान आज एटलीस्ट रिक्वेस्टिंग मूड में है, भारत से बोल रहा है कि आप हमारी मदद करिए। आज वो अगर मदद मांग रहे हैं, मैं पीसफुल मैनर की बात कर रहा हूँ, तो कल हो सकता है वो बोले कि हम मित्र हैं, और मित्र होने के बाद कुछ ऐसी संधि हो जाए जैसे यूके का है कि उसमें दो तीन देश है, या यूरो। आप ये देखिए, कभी फ्रांस और इंग्लैंड में, जर्मनी और इंग्लैंड में कितनी लड़ाइयां होती थी, लेकिन पूरा एक ग्रुप बना कि नहीं यूरोप में, उसके बाद जहां पे कि सारे नियमों को हटा करके एक कॉमन नियम जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया। मिश्रा साहब, या मिश्रा आप साहब, ये एक सेकंड, देखिए, एक सेकंड। ग्रुप तो ये बन सकता, देखिए ये जो ग्रुप है ये बन सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सार्क बना ही था ना, सार्क बना, उसने नहीं काम किया, ग्रुप बन सकता है, बट यू कैन नॉट टेक ओवर द कंट्री, दैट्स ऑल आई एम टॉकिंग। ग्रुप, इकोनॉमिक देखिए ग्रुप बन सकता है, हाँ, सब कुछ बन सकता है, लेकिन नहीं आज नहीं के जमाने में आप कंट्री भारत, को टेक ओवर नहीं कर यस सकते। यस यस, आपने बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा है सर। देखिए है क्या, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक वेरी मच योर प्रोग्राम, क्योंकि जब तक दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा ना, तो वो फिर हमें भी उसमें एंजॉय नहीं आता है। टेक ओवर वर्ड का लिटरल मीनिंग और इन एक्शन मीनिंग ये है कि आप फोर्सफुली किसी चीज को कब्जा कर लीजिए। भारत ने तो कभी टेक ओवर की बात ही नहीं की है, अगर हम टेक ओवर करने पे निकले होते सर, आधी दुनिया हमारी होती, ना षड्यंत्र करके ना वो। मैं मर्ज की बात कर रहा हूं सर, मर्ज ये होता है जहां पे हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि लगता है कि हम एकदम एकदम हम सिमिलर हैं, सारी चीजें हमारी सिमिलर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बलूचिस्तान के नेताओं ने खुल के बोला है कि आप हमें मर्ज करिए, आजादी के टाइम पे बलूचिस्तान के नेताओं ने बोला था कि इंडिया हमें अपने में मर्ज करे। श्रीनगर कश्मीर की बात देखिए, हरि सिंह जी ने, वहां के जो महाराजा थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट पे साइन किया कि वी डू एग्री टू गेट मर्ज विद इंडिया। अब आपको और कितने, मैं और भी एग्जाम्पल दे दूंगा, 2000 4000 साल पहले से, जहां पे दो पर्टिकुलर पार्ट या देश मर्ज होकर के एक नई शक्ति बन के उभरे हैं। रशिया कभी मर्ज हुआ था, मतलब लीगली मर्ज हो गए थे, वो सारे देश में एक ही सिस्टम वहां पे था, नहीं, आज वो अलग-अलग मिश्रा हो साहब, गए। एक सेकेंड। जो रशिया था ना, रशिया जो मर्ज नहीं हुआ था, रशिया का स्टालिन ने जबरदस्ती टेक ओवर किए टेक थे वो ओवर किया था। कंट्रीज, और वो कंट्रीज बाद में जब इकोनॉमिकली अपना रशिया के लीडरों को ये ख्याल आया कि वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू टू हेल्प देम, दैट वाज द टाइम व्हेन गर्बाचोव जी केम इन टू पावर एंड ही रियलाइज, और उसने उन कंट्रीज को आजाद किया, वो टेक ओवर किए हुए थे। ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मेरी इस कॉन्सेप्ट या इस पर्टिकुलर डिफिनीशन को एग्री किया और ये बताया, माना और मुझे गाइड किया कि ये करेक्ट है, टेक ओवर करना दूसरी चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसी फील्ड में रहते हैं जैसे कनाडा, अमेरिका वगैरह एकदम पास पास है। अमेरिका पहले क्या था, आप ये देखिए ना, जो इनका फेडरल सिस्टम ये बोलते हैं, ये क्या था, ये हमने सुना है कि शायद सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट थे, एक ऐसी मुहिम चली कि सारे पब्लिक वहां पे मिल गए, पब्लिक का दिल मिल गया, वो मर्ज होकर के यूनाइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। अब पहले फ्लोरिडा अलग था, ये अलग था,
मेरे कहने का मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, बट इंडियन फिलॉसफी बिलीव ये करती है। और मोहन भागवत की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम लोग कभी भी टेक ओवर की बात नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते। जिस दिन हम टेक ओवर करना चाहेंगे सर, आप ये मान के चलिए छोटे छोटे न जाने कितने देश हमारे अगल बगल हैं कि हम रशिया, यूनाइटेड स्टेट और चाइना से दो गुने हो जाएंगे अगर हमें टेक ओवर करना हो। वी डोंट बिलीव इन टेक ओवर। हम तो ये चाहते हैं कि दिल से दिल ऐसे मिलेंगे। और कुछ उसमें और भी होते हैं स्ट्रेटजिक वे में। आज पाकिस्तान की डेट, पाकिस्तान की मैं बात करूं, आप पाकिस्तान को दे दीजिए 1-8 ट्रिलियन, 10-20 बिलियन जो भी उनकी जरूरत है वो। आप चाइना को उन्होंने क्या किया है? यही तो किया, इतना बड़ा भूभाग उन्होंने चाइना को दे दिया। अब चाइना उसको टेक ओवर कर लेगा षड्यंत्र के थ्रू, वो पॉजिटिव वे में नहीं किया। मैं बोलता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को गोद लेने के लिए तैयार हैं और उनको विश्वास दिला दें कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो वो आप एकदम आपसे वो मर्ज कर जाएगी। चिंता मत करिए मिश्रा जी, मुल्ला ये नहीं होने देंगे आप, वो उन्होंने नहीं होने देना। तो वो चाहे गोद में भी छोड़िए, वो कहेंगे आप हमारी गोद में आ जाइए। खैर एनीवे, ये तो मेरा ख्याल हम बहस करते ही रहे तो ख़त्म नहीं होनी। आप रियली मुझे बिलीव मी, आज जो प्रोग्राम है हिंदुस्तान में आपके देखे और आज के प्रोग्राम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी जो इन डेप्थ इंटेलिजेंस है उसके आगे मैं सिर झुकाता हूँ आपको मैं। अरे नहीं डॉक्टर साहब जी, आशीर्वाद बनाए रखिए, शर्मिंदा मत करिए। नहीं, 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 आप गाइडलाइन केवल आप लोगों से चाहते आपका हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स जो हैं वो जरूर दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ड्राइविंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ये डेमोक्रेसी हो या राजतंत्र हो या कुछ भी हो, ओवरऑल जो ग्रेटर गोल है वो चीज अवेलेबल होना चाहिए। ये ठीक ऐसे ही जैसे आप डॉक्टर हैं, मर्ज कोई भी हो, दवा जो सूट करे वही चीज देनी चाहिए। हमारे पास इतिहास है, हमने भारत को सोने की चिड़िया किस सिस्टम से बनाया था, अगर उसी को रिप्लीकेट कर दें उसी वे में, डेमोक्रेटिक फॉर्म। डेमोक्रेसी क्या है? देखिए एक गुब्बारा है, उसके अंदर हम ये बोल रहे हैं ये डेमोक्रेसी है जी, इसमें प्राण वायु भरी है, लेकिन पता चला हमने उसमें नाइट्रोजन भरा है, कोई जहरीली गैस भरी है। बाहर से तो वो फूला हुआ दिख रहा है लेकिन अंदर वो है। तो हमें बस यही करना है कि जो प्राण वायु हम सोचते हैं वही हमें भरना है अपने देश में, उसी सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है किसी भी लेवल पे। आउटर कवरिंग चाहे आप उसकी करिए, चाहे इंटरनल कवरिंग करिए, लेकिन वो चीज हमें लाना पड़ेगा। और जो आपका सब्जेक्ट है चेंजेस, एटलीस्ट सरकार किसी की वो इस कालखंड में, चूंकि सरकार पब्लिक के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, पब्लिक की डिमांड थी तब ये सरकार आई और पब्लिक ने डिमांड किया था ये चेंजेस होने चाहिए, तो वो बेटर वे की तरफ जा रहा है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जहां पे लीनियंसी और लिबर्टी के साथ साथ डिसिप्लिन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते अगर इसी चीज से हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहे। टाइम लेगा, अपोजिशन या विरोध इसके होते रहेंगे, बट आई होप कि बहुत कुछ अच्छा होगा। मिश्रा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद,